नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज बिहार, मैं हूं शिवम। आजकल बिहार में लगातार शराब को लेकर होटल से लेकर गांव गांव तक छापेमारी चल रही है। उसी में आज सिवान जिला के महाराजगंज थाना अंतर्गत पटेढ़ा बस स्टैंड से एक शराब कारोबारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि गुप्त सूचना मिला हुआ था कि शराब कारोबारी शराब बेच रहा है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि महाराजगंज थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिला हुआ था कि एक शराब कारोबारी विदेशी शराब बेच रहा था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस जगह पहुंचकर 14 पीस फ्रूटी और एक रॉयल स्टॉक के साथ उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति की पहचान पटेढ़ा गांव निवासी बस स्टैंड के पास उनका मकान है। उनका नाम है विनोद पांडे उर्फ सिपाही पांडे, जिनको शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, यही विनोद पांडे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। कागजी कार्रवाई के बाद इनको सिवान न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बताते चले कि शराब कारोबारी पर नकेल कसने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। जगह जगह पर शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और जो भी शराब कारोबारी सूचना मिली है लगातार पुलिस जा रही है, ताकि शराब कारोबारी पर नकेल कसा जा सके और शराब बिहार में बंद हो जाए। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।